अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। तो आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, तो मैं ऐसे निकला ज़रा, मैंने कहा चलो वॉकिंग कर रहे हैं, एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, तो उसकी भी मुलाकात करवाता हूँ आपसे। ठीक है, ये बहुत प्यारा मौसम है आज। ये देखें बादल हैं थोड़े थोड़े, मगर सूरज के आगे बादल काफ़ी हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ, हमने एक जगह पे सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ पे उनका विज़िट करना है, उनके देखना है कि क्या बना है उनका और कैसी लगी हैं वो, कैसा चल रहा है वहाँ सारा सिस्टम। थोड़ा सा पीछे भाग के आया हूँ तो बहुत सांस चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसे आवाज़ आ रही है थोड़ी सी ना। ये देखिए इधर सारा माहौल काफ़ी बेहतर हो रहा है। अभी बारिशें हुई हैं पिछले दिनों में, उसकी वजह से थोड़ा सा चारा वगैरह, ये जो हरियाली है सारी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। ये देखिए जानवर भी बहुत सुकून में है, अभी मौसम बहुत बेहतर हो गया है। मौसम के हवाले से सारी बात होती है, मौसम की सारी बात होती है। जानवर भी बहुत आराम कर रहे हैं, आज इतनी धूप नहीं है, बादल हैं थोड़े थोड़े और हवा भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, तो इसलिए सोचा कि चले थोड़ा सा टूर हो जाए और आपसे भी बातचीत हो जाए। तो अभी आपने मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा है तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लिया करें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो हो वो आपको मिल सके। जी व्यूअर्स, तो हम वो मैं आपसे कह रहा था आपको सब्ज़ी का विज़िट कराऊंगा, तो ये है वो सब्ज़ी जिसका मैं आपको विज़िट का कह रहा था। चलो आए थोड़ा सा विज़िट करते हैं, फॉलो मी। ये है जी देसी तोरियाँ लगी हुई हैं, ये देखें इनके साथ फूल लगे हैं, ये छोटी छोटी लगी हुई हैं, अभी ये तोड़ी हुई हैं एक दो दिन पहले, ये देखिए ऐसी लगी हुई हैं काफ़ी सारी। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैंगन, बैंगन का पौधा है जिसे बताऊँ कहते हैं, ये बताऊँ का पौधा लगा हुआ है, सारे यहाँ पर ऐसे सारे ये बताऊँ के पौधे लगे हुए हैं। और ये लेडी फिंगर लगी हुई हैं भिंडियाँ, ये भी तोड़ी हुई हैं ये सारी, तो अभी ये मज़ीद ये छोटी छोटी लग रही हैं, तो इन्हें भी बस एक दो दिन में ये भी तैयार हो जाएंगी। तो ऐसे ही ये सारी भिंडियाँ लगी हुई हैं, और इसके अलावा ये भी बैंगन का पौधा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी लगाई हुई थी, ये है पेठे की बेल है, ये वाली पेठे की बेल है जो कि बहुत अभी बसीदा हो चुकी है, क्योंकि अभी यहाँ इस पर काफ़ी उतार ली हैं इससे। तो ये गुवारे की फलियाँ, ये भी यानी इससे भी काफ़ी फल ले लिया है अभी तक, तो ये भी अभी बसीदा हो गई है। अभी ये जगह जो भी है ना, ये अभी फारग करने वाली जगह हो गई है, इससे काफ़ी सब्ज़ी यानी कि उतार ली गई है, अभी इसका जो भी सीज़न ओवर हो रहा है, आउट हो रहा है, तो इसलिए ये सारी जगह अभी ना ख़त्म करके नए मौसम की सब्ज़ियाँ लगाने वाली हैं, तो वो भी थोड़े दिनों में हो जाएगा इंतज़ाम, यानी कि कर देंगे ख़त्म। ये है कद्दू की बेल, ये वाली ये लगी हुई है, इसमें काफ़ी कद्दू लगे हुए थे पहले, अभी उतार लिए हैं वैसे, तो अभी मज़ीद कोई नहीं लगा हुआ, तो वही मैं कह रहा था कि अभी सीज़न आउट हो रहा है, तो ये सारी सब्ज़ियाँ भी बिना मज़ीद ख़त्म हो रही हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसे ये क्रॉस कर दी हैं, हमने भी कर दी, कुछ बच्चों ने भी आने जाने वाले लोगों ने कर दी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये देखिए अभी ये पौधे ना बहुत बड़े हो गए, इन्हें वो फल वैसे नहीं लग रहा जैसे लगना चाहिए था। ये भी वो बैंगन के ही पौधे हैं सारे, अभी इनके कुछ चीज़ें ऐसी हैं यानी कि ना ये बीज बन रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये देखिए जी अभी कुछ ये इनके साथ ये लग रहा है नया फल, ये फूल लगे हुए हैं, ये फूल लगे हुए हैं, अभी मज़ीद शायद इन्हें लगेंगे, मगर अभी इनका ना सीज़न यानी कि ऑफ हो चुका है, ये सारी सब्ज़ी का ये जो भी एरिया है ना सारा ये अभी ख़त्म करने वाला होगा, मगर वो भिंडियाँ जो लगी हुई हैं वो भिंडियाँ अभी उतर रही हैं, भिंडियाँ अभी काफ़ी लगी हुई हैं, इनके जो मेजर पौधे थे बड़े पौधे थे वो यहाँ से उतार लिए हैं, काट लिए हैं, ये उनकी जड़ें आ रही हैं, जड़ों पे फूल लग रहे हैं, ये देखिए भिंडियाँ लग रही हैं अभी, ये देखें ये भिंडियाँ लग रही हैं इनमें, और ये जो भी हैं ये पौधे इनमें ये देखिए भिंडियाँ लग रही हैं, ये मेन पौधे थे जो वो यहाँ से उतार लिए हैं, तो अभी इनकी जड़ें उतर रही हैं और इनके ना मजीद भिंडियाँ लग रही हैं। और भी
ज़्यादा भिंडियों के पौधे लगे हुए हैं जो ना अभी फल दे रहे हैं या सब्ज़ी दे रहे हैं, तो अभी मज़ीद भी और जो सब्ज़ी लगाएंगे वो भी इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी। ये अभी बारिशों में कुछ हुआ है, जगह बहुत ठंडी हो रही है, यानी कि पहले ये बहुत ना यानी कि थी सख्त हो गई थी, अभी बारिश की वजह से ये जगह बहुत नरम हो गई है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इस सब को रिमूव करके तो यहाँ पे नई मौसम की सब्ज़ी लगा दी जाए, फिर जब वो सब्ज़ी वगैरह लगाएंगे तो वो भी आपको इंशाल्लाह विज़िट कराएंगे। अभी के लिए इतना ही।